हेलो बच्चों, आज हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं 11.2 एक्सरसाइज का। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, मिसिंग वैल्यूज को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इस समय हमको क्या गिवन है, एक टेबल गिवन है जिसके अंदर क्या है, सीरियल नंबर मतलब सम कौन कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर सम है। उनके अंदर क्या क्या गिवन है, बेस है, हाइट है और एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम है। तो बेस किसका है, एक पैरेललोग्राम का गिवन है, हाइट भी एक पैरेललोग्राम की गिवन है और बेस इसमें हाइट फाइंड आउट करने वाले हैं, एरिया सब इस सब चारों के चारों क्वेश्चन में क्या बात गिवन है, सभी का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब सभी पैरेललोग्राम का हमारे पास क्या है, एरिया है। तो हमको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको फर्स्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, सेकेंड और थर्ड में हमको बेस फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, और फोर्थ सम में हमको क्या फाइंड आउट करना है, उसकी फिर से हाइट फाइंड आउट करने वाले हम पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट सम का सॉल्यूशन क्या है, इस सम में क्या गिवन है, हमारे पास बेस दे रखा है किसी भी पैरेललोग्राम का, हाइट हमको निकालनी है और एरिया गिवन है कितना है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आपको एरिया तो पता ही होगा पैरेललोग्राम का क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, हाइट इंटू में बेस। ठीक है, आप ये फॉर्मूला तो याद कर लीजिए, बड़े काम का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, बेस हमारे पास कितना है, 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम कितनी है, हमको फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो एरिया कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम कितना है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये गिवन था, बेस गिवन था, एरिया गिवन था पैरेललोग्राम का, तो हमको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हम इस क्वेश्चन को फिगर से समझे तो क्या है, जैसे कि ये कोई एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रखा है, ये इसकी क्या है, हाइट है, ये बेस है, तो ये सारा क्या हो जाएगा इसका, एरिया। तो एरिया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमको निकालनी है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है पैरेललोग्राम का, हाइट इंटू में बेस। तो अब हम क्या लिखेंगे, हाइट इंटू में बेस, एरिया का यही फॉर्मूला आता है, इज इक्वल टू में 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमको निकालनी है, बेस 20 है, इज इक्वल टू में 246 कैंसिल आउट करेंगे 1.2.3, ये हमारा आंसर आ गया। आप पूछोगे सर पॉइंट कहाँ से लिया, तो ये जीरो थी हमारे पास, तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 कैंसिल आउट करेंगे तो 123 आंसर आएगा, लेकिन एक जीरो है इसलिए हमने क्या लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया। तो मिसिंग वैल्यूज में बस इतना ही करना है आपको, क्या बस एक चीज़ गिवन निकालनी होगी, दो चीज़ गिवन दे रखी है, इसमें क्या था, बेस गिवन था, हाइट निकालनी थी, एरिया तो सिर्फ क्वेश्चन में गिवन ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या है, बेस निकालना है, हाइट दे रखी है, एरिया गिवन ही है, आप कर लोगे। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था, उसका आंसर निकाल दिया था हमने, बेस
हाइट हमारी कितनी आई थी, 12.3 सेंटीमीटर आई थी हमारी हाइट, ठीक है। तो हम अपना सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले फिगर से समझते हैं। तो क्या है ये, एक पैरेललोग्राम है, ये हाइट है इसका, ये बेस है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, बेस निकालना है, हाइट गिवन है, तो एरिया तो गिवन है ही। हाइट कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। एरिया कितना है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या है, इसका एरिया, बेस हमको निकालना है। तो आपको पता है हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का कितना क्या होता है, हाइट इंटू में बेस। आपको याद हो गया होगा ये फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, हाइट क्या होती है, पैरेललोग्राम कितनी है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम बेस कितना है हमारे पास, वो तो निकालना ही है हमको। और लास्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाइट इंटू में बेस। एरिया हमारे पास कितना है, क्वेश्चन में गिवन ही है, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है, एरिया है। तो हाइट हमारे पास है ही पहले से ही 15 इंटू में बेस, 154.5 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 10। ये हमारा आंसर आ गया। इस फॉर्मूले से हाइट इंटू में बेस क्या होता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये फिगर आपको समझ में आ गई होगी हमने कैसे कैसे किया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, बेस निकालना है, हाइट गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है ही पहले से। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम 8.4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 48.72 सेंटीमीटर, और बेस हमको निकालना है। और किस फॉर्मूले से निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से, हाइट इंटू में बेस इज इक्वल टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल आउट करेंगे हमारा बेस आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं, वैसे जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा था, एरिया हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी हमारी, 8.4 सेंटीमीटर, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना है हमारा, वो तो निकालना ही है। Therefore, area of parallelogram, area का क्या फॉर्मूला आता है, हाइट इंटू में बेस, और एरिया है हमारे पास कितना, 48.72। तो हाइट की वैल्यू पुट करते हैं, 8.4 इंटू में बेस, 48.72 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करो फटाफट फटाफट, तुम्हारा आंसर कितना आया इसका, 5.8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया हमने कैसे किया, चलो कैंसिल आउट करके दिखाऊं, आप कर भी लोगे।
तो हम अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस पार्ट का। तुम्हारा ये वाला भी खत्म हो जाएगा। तो इस समय हमको क्या गिवन है, बेस दे रखा है, हाइट निकालनी है, एरिया ऑफ पैरेलल वगैरह हमारे पास है ही। तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, हाइट इंटू में बेस वाला फॉर्मूला लगने वाला है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम, वो तो हमको निकालनी ही है। फिर हम क्या लिखेंगे, बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, बेस कितना है 15.6 सेंटीमीटर। और लास्ट में लिखेंगे एरिया हाइट इंटू में बेस इज इक्वल टू 16.38। बेस की वैल्यू पुट करते हैं इंटू में बी 16.38, 8.8 रह गया। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना गया, कैंसिल आउट करो फटाफट फटाफट, हमारे पास कितना आएगा, 1 पे जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा और फिर 0 आएगी। कितना गया, 0.5 हमारा आंसर आ गया, 1.05 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये वाला भी पार्ट क्लियर हो गया होगा। हमने इस सम के चारों क्वेश्चन हम आपको अच्छी तरह से समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। इस समय हमको क्या निकालना था, मिसिंग वैल्यू निकालनी थी। पहले क्वेश्चन में हाइट निकालनी थी, सेकंड में बेस, थर्ड में बेस और फोर्थ में फिर से हाइट। किस फॉर्मूले से निकालेंगे आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से क्या होता है, हाइट इंटू में बेस। तो एरिया हमारे पास गिवन ही थे, हाइट जिसके समय दे रखी थी वो पुट कर देंगे, बेस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको ये सम भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू।